खेती का सीधा फायदा गुजरात के किसानों को मिल रहा है। अब एक फसल के बजाय किसान सालाना तीन तीन फसलें पैदा कर रहे हैं। क्या पहले कोई सोच सकता था कि गुजरात में अनार और मौसमी के बगीचे भी हो सकते हैं? अनार आता है और कॉटन का करते हैं और मौसमी भी लगाई है हमारे गांव में। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले तकरीबन 12 लाख किसान गरीबी और कर्ज के भंवर में बुरी तरह फंस चुके हैं। अपने पड़ोसी राज्य की खेती में तरक्की देखकर महाराष्ट्र सरकार गुजरात के इस फॉर्मूले को समझना चाहती है। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर कमिश्नर ने गुजरात के कृषि विभाग से संपर्क साधा। वो ये जानना चाहते थे कि गुजरात के बीटी कॉटन उगाने वाले किसानों की खुशहाली का कारण क्या है। गुजरात गवर्नमेंट हैज टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर। दे हैव ट्राइड टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड एजुकेशन। दे हैव ट्राइड टू स्ट्रेंथन द लिंकेज बिटवीन साइंटिस्ट एंड फार्मर्स। And they have tried to give a number of support services to farmers like soil health card, timely advice, and also this Krishi Mahotsav before the sowing season, before the monsoon comes, to attend to the needs of the farmers visiting every village. Soil health card yojana ke antargat har ek khet se mitti ka sample lekar use laboratory mein test kiya jata hai। इससे ये मालूम पड़ जाता है कि किस खाद की जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है। अपने बच्चों का तो हेल्थ कार्ड सभी बनवाते हैं, लेकिन मिट्टी का, जिसको अन्नपूर्णा कहा जाता है, उसका हेल्थ कार्ड केवल गुजरात में मिलता है। लोगों को अपने साथ जोड़ने का सबसे आसान तरीका है उनके चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल बना देना। कृषि महोत्सव किसानों का त्योहार बन गया है। ये एक विशाल मेला है तरक्की का, खुशहाली का। मोदी हैज इन्वॉल्व द पब्लिक इन अ वेरी ग्रेट एंड डीप मैनर एंड गिवन देम अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन एवरी वन ऑफ हिज मेजर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। पानी का इंतजाम हो जाने से, घर पर 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलने से और खेती बाड़ी की नई नई जानकारियों ने किसान की जिंदगी बदल डाली है। आज फिर से उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो आपको लगता है कि गुजरात में आज किसान की वही इज्जत की जा रही है? ना, वही इज्जत है, खेती करना अच्छा काम है और मेरे स्टेट में वो सामर्थ्य है और इसलिए मैं सपना देख रहा हूँ हिंदुस्तान के सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व ये सूखी धरती से हम करेंगे। सतही पानी की जब भरपूर व्यवस्था हो जाती है तो भूजल को बाहर निकालने की कम जरूरत पड़ती है, इससे बिजली की भारी बचत होती है। गुजरात मॉडल की नींव में डाले गए हैं ऐसे छोटे छोटे नए नए विचार। जब एक मिशन के तहत किसी जानदार विचार को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है तो नतीजे चौंका देने वाले होते हैं। ऐसे ही किसी अद्भुत विचार से गुजरात में बिजली की क्रांति आ गई। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र बिजली के जबरदस्त संकट के दौर में फंस चुका है। 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे इतनी बिजली की कटौती करने के कारण महाराष्ट्र सरकार परेशान हो गई और उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर गुजरात सरकार अपने 18,000 गांव को 24 घंटे कैसे बिजली सप्लाई कर पाती है। इसलिए आज हम गुजरात के एक बिजली विभाग के अधिकारी से बात करना चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं कि आखिर ये सीक्रेट क्या है। हाँ, गुजरात के जो एग्रीकल्चर फीडर्स और गांव के फीडर एक था, अभी सेपरेट किया तो ओनली गांव का ही फीडर आएगा, गांव के ही बिजली जाएगा, ऐसा सेपरेट लाइन लगाया। ज्योतिग्राम फीडर में ओनली गांव आते हैं, खेतीवाड़ी फीडर अलग होता है, तो उसकी वजह से पावर सप्लाई हम मेंटेन कर सकते हैं। पहले क्या था कि एग्रीकल्चर में था तो इंटरप्शन आ जाता था, तो सारे लाइन फॉल्ट पे जाता था, 8-10 घंटा सप्लाई बंद हो जाता था। अभी 24 सप्लाई उनको मिल रहा है, क्यों कि सेपरेट लाइन किया है। गुजरात ना जीवन में एक बदलाव आ गया, पर भाइयों बहनों आज ज्योतिग्राम योजना, गई काले बिजली नहोती ना आज बिजली आवी, इतनी नानकड़ी योजना छे ये भी भूल ना करता। 1000 दिवस ना टूंका गाड़ा में 23 लाख जेटला नवा थांभला नाखवा,
56,000 જેટલા નવા ટ્રાન્સફોર્મર નાખવા, 75,000 કિલોમીટર લાંબો કેબલ નાખવો, આ આંકડા ચમકાવી દેવા છે. 24 ઘંટે થ્રી ફેઝ બિજલી કે ચલતે ઇસ છોટે સે ગાંવ મે ભી હીરે ઘસને કે કઈ કારખાને લગ ગયે હૈ. ઇસ રોજગાર ને ગાંવ કે લડકે લડકીઓ કે જીવન મે ખુશહાલી બરદી હૈ. યહી હૈ ગુજરાત મોડલ. इनके पास कमी है तो सिर्फ समय की, क्योंकि जितना काम करते हैं उतने ही ज्यादा पैसे इन्हें मिल जाते हैं. मोबाइल से गाड़ी से फरवा मेटे अन्य टीवी अन्य फरवा मेटे गाड़ी. देश के ज्यादातर गांव में बदहाली से परेशान होकर लोग शहर की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में उल्टा हो रहा है. रिवर्स माइग्रेशन के तहत लोग अपनी जड़ों को ढूंढते हुए शहरों से गांव की तरफ वापस आ रहे हैं. रमेश भाई रोज रतनपुर से बोटाद हीरे के कारखाने में काम करने के लिए अप डाउन करते थे. आज वो अपने गांव रतनपुर में फिर से रहने के लिए आ गए हैं. पहले तो घर भाड़े राखवा में लगभग 300-400 रूपया घर भाड़ू यहाँ बोटाद नु थातु थू. अत्यारे गामडा में रहे पछी घणो खर्चो ओसो 1,000-2,000 रूपया नो खर्चो ओसो थई गयो. वीजळी आव्या पछी 24 कलाक लाइट आव्या पछी 1,000-2,000 रूपया ओसा खर्चो बची गयो. आपने विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, विलेज में आपने बच्चों के लिए स्कूल अच्छा किया, विलेज में आपने पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाई, तो फिर लोग क्यों कचरे में जाकर शहर में रहेंगे? क्या 24 घंटे बिजली देने से नारी सशक्तिकरण का दौर शुरू हो सकता है? रतनपुर में तकरीबन हर घर में लड़कियों ने हीरे घिसने की मशीन लगा ली है. जब से मैं सीखी हूँ तब से मैं कमाने लगी, इसलिए मेरे पास पैसे है तो उसमें से मैं कुछ बचा लेती हूँ. क्या काम करूँ सीमा हो मारे इनके कोई नहीं, जरूर नहीं पड़े मारी रीते इनके कमाई सीखी. हम 8-10 कलाक करवी एटले थई जाय, हमारे महीने काम थई जाय. जयरे सीखवा मैं बैठा ने त्यारे 2,500 नो लेट लाया था, हम अत्यार 3,000-3,500 नु काम थाय. मारी पास जी पैसा बचा था इनने मैं सोना ना चेन बनावरा. 24 घंटे बिजली के कारण गांव के अंदर भी कंप्यूटर की शिक्षा संभव हुई है. ये वो कला है जो मिट्टी में भी जान डाल देती है. प्राचीन काल से जीवित ये परंपरा अब आधुनिक इंटीरियर डिजाइनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. फुल फायदो एकदम फायदो थियो छे के लाइट मानो के हमें हवारे 8 વાગે ચાલુ કરતા એની જગ્યાએ 4 વાગે ચાલુ કરીએ છીએ, અને અત્યારે મોડો થઈ ગયો દિવસ ના તો રાતના 9 વાગ્યા સુધી કામ કરી શકીએ છીએ લાઇટ ના હિસાબે. ગામ કે અલગ અલગ હીરા કારખાનો મે કામ કરને વાલો ને હંસા બહેન કે વ્યાપાર મે નઈ જાન ફૂંક દી હૈ. ગામ મે કારખાને આ રહે હૈ ઉનસે આપકે વ્યાપાર પર કુછ ફરક પડા હૈ ક્યા? સીધા ધંધો ચાલુ કર્યો, ઈમાય 50-60 રૂપિયા આપણને મળે એટલે આપણું કામ ઘરની રોજી રોટી ચાલે. गुजरात में आज रतनपुर की तरह ऐसे कई गांव हैं जो हमेशा के लिए बदल गए हैं. बंगाल में आप देखें, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का तथ्य के अनुसार बंगाल में, रूरल बंगाल में 85% लोग में इतना गरीबी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम कर सकते, उसके घर में इलेक्ट्रिक मीटर भी नहीं लगा है. और देखिए आप गुजरात में लेटेस्ट तथ्य के अनुसार 100% ऑफ रूरल एरियाज आर कवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. आई कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर कंसीविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम विच विल बेनिफिट एवरी 18,000 विलेज ऑफ द स्टेट.